ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में इन दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा सुर्खियों में है। प्रदेश में विपक्षी दल भाजपा अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी दल कांग्रेस को घेरने का मन बना चुकी है। बीते दिनों राजधानी के योजना भवन में मिली करोड़ों की नकदी व सोना मिलने के मामले में भाजपा को घर बैठे बिठाए कांग्रेस सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। प्रदेश भाजपा नेता अब आगामी 7 जून को राजधानी जयपुर में सचिवालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पत्रकारों से बातचीत कर गहलोत सरकार पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सीएम गहलोत ने बीते दिनों एक बयान देते हुए कहा कि भाजपा के नेता भूखे भेड़िये की तरह बर्ताव करते हैं। इस तरह के बयान देना मुख्यमंत्री की आदत में है। सरकार के भ्रष्टाचार का एक मामला है जिसमें करोड़ों का घोटाला है, जिसमें एसीबी में परिवाद दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हम भाजपा नेताओं को भूखे भेड़िये में कह रहे हैं, उन्होंने 3,500 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस घोटाले की पीआईएल हाई कोर्ट में लगी हुई है। सांसद मीणा ने आगे कहा कि पोस मशीन का घोटाला भी प्रदेश का एक बड़ा घोटाला है। प्रदेश में चाइना से पोस मशीन ली गई, इसके लिए एक पॉलिसी है जिसमें भारत सरकार के मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। इन मशीनों का काम जिसे दिया गया वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। गहलोत सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 135 करोड़ का काम दे दिया, इसमें 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। सांसद मीणा ने बड़ा बयान देते हुए आगे कहा कि प्रदेश की इस गहलोत सरकार ने 20-25 हजार करोड़ के घोटाले किए हैं। अकेले आईटी विभाग में 15-20 हजार करोड़ का घोटाला किया है। इसकी ईडी सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर आईटी विभाग में घोटाला नहीं निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। गहलोत सरकार कांग्रेस को पोषित कर रही है। इसके साथ ही सांसद मीणा ने आगे कहा कि आईटी के मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत है। मुख्यमंत्री गहलोत जो प्रदेश की नहीं देश भर की कांग्रेस चला रहे हैं, इसलिए ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं। इनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर सप्ताह सरकार को घेरेंगे। मीणा ने आगे कहा कि आईटी घोटाले में जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं 15-20 हजार करोड़ का घोटाला है, इसकी जांच ईडी से करवा ले। सचिन पायलट और सीएम गहलोत दोनों ईडी के पास घोटाले की जांच के लिए जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा, और अगर सरकार जांच नहीं करवाएगी तो हम ईडी से जांच करवाने के लिए पत्र लिखेंगे और प्रकरण दर्ज कराएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।